गाइस, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा आँख सूजा हुआ है। अभी मैं सोकर उठा था तो देखा मेरा आँख सूजा हुआ है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हेयर स्टाइल वगैरह ठीक कर लेते हैं और देखते हैं ठीक कैसे किया है। क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे माथे में पट्टी बंधा हुआ है, इसको भिगा नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, क्योंकि आँख मुँह थोड़ा सा जब तक आप वॉश नहीं कीजिए तब तक थोड़ा सा अजीब लगता है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि अभी इस छोटे से कपड़े को लेंगे, दिखाता हूँ आपको, और इसको कुछ इस तरीके से ऐसे करके एक बार फोल्ड करेंगे और इसको ऐसा लपेट देंगे ताकि जो हमारी पट्टी हुई है उस पर कोई असर न पड़े। अब हमारे पास जो है ये स्प्रे वाली बॉटल है। आपने बाल वगैरह कटवाया ही होगा, देखा होगा सैलून में इस तरह की बॉटल मिलती है। तब मैं इसे अपने फेस पे थोड़ा मार लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा दिखना ज़रूरी है। तो आपने देखा कि मैंने इसे मार लिया और हाँ, अब इसे मैं खोल लेता हूँ, क्योंकि पट्टी पे तो पानी गया नहीं और हमारे फेस पे जो पानी था वो आ गया है। अब इसे मैं पोंछ लेता हूँ। ताकि चेहरे की फ्रेशनेस और ताजगी बनी रहे, थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज कर लेता हूँ। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग फेस वॉश कर सकते हैं ताकि थोड़ा फ्रेशनेस फील हो, क्योंकि आप जब इस स्टेज में होते हैं तो आँख में वॉश नहीं कर सकते हैं और बहुत सारे दिक्कतें आती हैं। जैसे अगर पट्टी भींग गया तो आपको और प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो मेरे साथ हुआ यूँ था कि मेरे कान के पर्दे में छेद हो गया था, होल हो गया था ईयर ड्रम में, जिसकी वजह से मैंने मेडिसिन लिया बट रिकवरी नहीं मिला। तो मुझे उसके लिए ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत पड़ी और मैंने ऑपरेशन करवाया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं मेरे चेहरे पे सूजन आई है। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी ऑपरेशन हुई थी 2nd of मार्च को और आज है 5th of मार्च। तो मैं जब आज सोकर उठा तो देखा कि स्वेलिंग सडन पूरा बढ़ा हुआ है, क्योंकि पहले स्वेलिंग था नहीं। सो मैं भी घबरा गया, परेशान हो गया कि ये हुआ क्या। तो इसमें जब मैंने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट किया, बात हुआ, तो पता चला कि ये कॉमन चीज़ें हैं, क्योंकि जो पट्टी हमारे फेस पर बांधी जाती है वो थोड़ी टाइट होती है और उसकी वजह से स्वेलिंग आना कॉमन सी चीज़ है और हर पेशेंट के साथ ये होता नहीं है। किसी किसी की आती है और किसी की नहीं आती है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। मेरा आँख देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही सूज गया सुबह, क्योंकि आँख खोलने में भी मुझे दिक्कत हो रही है। अब देखते हैं स्वेलिंग कब तक रहता है। तो ऑपरेशन के प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ, तो जैसा कि ऑपरेशन के टाइम बताया जाता है कि कान के पीछे एक चीरा लगाया जाएगा, उसी के वहीं से हॉल तक पहुँचने का कॉन्टैक्ट का रास्ता बनाया जाएगा और पर्दा को बनाया जाएगा। तो इस ड्यूरेशन आप टोटली होश में रहेंगे, आपको बेहोश नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम केसेस में देखा गया है आप जहाँ पे ऑपरेशन करना है वहाँ सुन कर दिया जाता है। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉमन सा ट्रीटमेंट है। हाँ, थोड़ा सा आपको पेन होगा जब कान के बाहरी हिस्सों में आपको इंजेक्शन दिया जाएगा, तो उतना प्रॉब्लम तो नहीं होता, लेकिन जब कान के इनर साइड में इंजेक्शन पड़ता है ताकि वो एरिया पूरा सुन सा हो जाए, कि ताकि कुछ होता आपको पता नहीं चले। तो जो कान के इनर साइड में इंजेक्शन जो पड़ता है, जब वो दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन वही 2-3 इंजेक्शन तक, उसके बाद तो फिर कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, लेकिन टोटली जब ऑपरेशन होगा तो आप इतना फील कर पाएंगे कि कब मेरे शरीर में चाकू लग रहा है, कब छुरा लग रहा है, कब क्या हो रहा है, इस तरीके का फील आप कर पाएंगे आराम से। टोटली आप होश में रहेंगे और कुछ समय के लिए आपको OT में रखा जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से मुझे लगता है कि 20-25 मिनट लगता होगा, 20-25 मिनट, आधा घंटा। उसके बाद आपको निकाल कर बेड पे डाला जाएगा आराम से, जहाँ आपका बेड वार्ड होगा, और 1 से 2 दिन के अंदर आपको छुट्टी दे दिया जाता है। सो मैं जब मेरा स्वेलिंग आ जाया तो बहुत ज़्यादा ही डर गया था, क्योंकि जब ऑपरेशन का क्राइटेरिया होता है तो उसमें वो लोग एक फॉर्म पर साइन करवाते हैं, जैसे कि इसमें रक्त का बहाव ज़्यादा हो सकता है, जीभ का स्वाद परमानेंट जा सकता है, नाक मुँह टेढ़े हो सकते हैं और जान जाने का खतरा भी रहता है, क्योंकि समझ सकते हैं कान का ऑपरेशन है तो वहाँ टोटली ये वेन वगैरह सब कनेक्टेड ही रहता है उस पार्ट में। तो उतना प्रॉब्लम कुछ किसी को होता नहीं है, रेयर केस में कभी कभी कुछ कुछ होता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस और रूल जो भी हैं उन लोग के लिए मतलब एक पेशेंट को जानकारी होना चाहिए कि क्या हो रहा है मेरे साथ और क्या क्या हो सकता है, इसमें रिस्क वाले चांस कितने हैं। तो इसमें उतनी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आराम से करवाया, मैं तो अकेले ही गया था।
और आप देख सकते हैं पट्टी लगी हुई है, स्वेलिंग कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है। तो इसको देखते हैं कि ठीक होने में कितना टाइम लगता है। और पट्टी मेरी अभी रहेगी, आज तो 5th ऑफ मार्च है, 11th ऑफ मार्च तक रहेगी, क्योंकि 11th को उन्होंने मुझे बुलाया है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, उसके बाद जो भी होगा मैं आय का वीडियो बनाकर आप लोगों को बतलाऊंगा। लेकिन आप लोगों को अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो डरे नहीं, जो लोगों को ज़रूरत है इस वीडियो को देखकर फुली कॉन्फिडेंटली रहें, कभी कुछ नहीं होगा, आराम से आप ऑपरेट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, पट्टी खुलवाने के बाद आप लोगों से मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।